इन दिस वीडियो मैं अगले 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ इस आइलैंड पे जो पता नहीं कहाँ है। मैं स्पॉन इस पे हुआ था और इसके इधर उधर शिपरैक भी हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो मैं अगले 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ इस सर्वाइवल आइलैंड पे, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। नॉट माइनक्राफ्ट हार्डकोर, वो बस ऐसे ही थंबनेल में अच्छा लग रहा था तो मैंने लगा दिया। सॉरी झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सिंपल माइनक्राफ्ट सर्वाइवल होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नहीं मरूं। ये भी ठीक है। लेट्स गो। तो गेम स्टार्ट करता हूं। मैं ये पेड़ तोड़ने थे जहां से मैं अच्छे खासे पेड़ तोड़ के इसके सैपलिंग्स वगैरह ले लेता हूं, और फिर वो सैपलिंग्स तोड़ के तुम्हें पता है वो क्या करता हूं, वो सैपलिंग्स तोड़ के मैं और लगा देता हूं। और पूरे दिन में मैंने बस यही कराया और इस तक ये करते थे, मुझे बस एक वेट मिला है जो मैंने हो बना लिया, लेकिन रात में बनाया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी मैं ज़मीन खोदने जा रहा हूँ, उसके अंदर मैं सो जाता हूँ आज के दिन। तो पहली रात हमने सर्वाइव कर ली इस चीज़ के अंदर जो भी थी, और दूसरे दिन मैंने उठते ही सबसे पहले ये सैपलिंग लगाई और फिर मैं थोड़े से और ढूंढने लगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो मैंने शवल बना के यहाँ से अपनी माइन बनानी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी डायमंड्स की, लेकिन डायमंड मिलने वाले नहीं थे। तो मेरे पास थोड़ा सामान कम पड़ गया, तो मैं थोड़ी और लकड़ियाँ तोड़ के और सैपलिंग लगा के पेड़ बढ़ा लेता हूँ। मतलब मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ, तुम्हें पता है यार सब कुछ करना पड़ता है। तो अब मैं अपने लिए पिकैक्स बनाता हूँ, जो बस एक ही काम में आने वाली थी, स्टोन की पिकैक्स बनाने के। तो मैंने स्टोन की पिकैक्स बना ली। अब मेरा पहला गोल था आयरन ढूंढना, तो मैं निकल लेता हूँ आयरन ढूंढने के लिए। और मुझे यहाँ पे अपना आयरन मिल भी जाता है, जो कि अच्छे खासे थे, ऐसे पता नहीं कितने थे, मैंने अभी होंगे काउंट कर लूँगा मैं, भूल गया वैसे। यहाँ पे कोल भी मिल जाता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैं कोल से अपने लिए टॉर्च बना लेता हूँ और फिर ये आयरन तोड़ता हूँ, जो कि अच्छे खासे मिल जाते हैं यार। तो यहाँ पे मुझे पूरे 8 आयरन मिल गए थे, तो अब मैं इनको स्मेल्टिंग में डालने वाला था फर्नेस बना के। तो लेकिन अभी मेरे पास फर्नेस थी नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत सारा कोबल स्टोन पड़ा है, तो मैं बना लेता हूँ अपने लिए फर्नेस। हाँ, जो भी होता है वो। अब मैं अपनी माइंड को थोड़ा सा मोड़ने वाला होता हूँ। हाँ, यहीं से मैं अपनी माइंड मोड़ लेता हूँ जहाँ पे मुझे और कुछ नहीं मिलता। तो अब ये माइंड मेरी निकलने वाली थी किसी केव में, जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी केव में निकलती है जाके। यहाँ पे मेरी पिकैक्स टूट जाती है, तो मैं और पिकैक्स बना लेता हूँ। और रात हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं माइनिंग करता रहता हूँ, क्योंकि बैट था नहीं मेरे पास। मैं पूरी रात माइनिंग करी, ये ऊपर से ढक दिया पूरा, जिससे कोई तुम्हें पता है कोई मॉब अंदर नहीं आया और मुझे मार नहीं दे, मैं सेफ रहूँगा क्योंकि मुझे मरना नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपना दोबारा से माइनिंग का काम कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे हमारी माइन जाके निकलती है एक केव में, जहाँ पे मुझे आयरन दिख जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी नज़र गई आयरन पे और मैं वो तोड़ने वाला था। यहाँ पे एक स्पाइडर भी होती है, जिससे मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था, लेकिन मेरे पास एक लकड़ी की स्वॉर्ड होती है, जिससे मैं उसको मार देता हूँ बहुत ही जल्दी। हाँ, जल्दी मार देता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी रोशनी करने की सोच रहा होता हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्या फ़ायदा, आयरन लेते हैं पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉबल स्टोन से ढक देता हूँ और मैं अपना आयरन अपनी फर्नेस में जाके डाल देता हूँ, यहाँ पे वो स्मेल्ट हो जाता है। तो मैं अपनी यहाँ पे थोड़ी केव से ही करता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे जाते टाइम मेरा सर टकरा रहा था उससे। तो अब यहाँ पे 11 तक आ जाते हैं हम, और मैं अंदर जाने की सोचता हूँ। और अंदर जाके मुझे कुछ अच्छी चीज़ दिखती है, जो कि होती है एक, अभी दिखी नहीं है वो, वैसे अब दिखने वाली है बस। तो वैसे तुम सोच सकते हो क्या होगी वो चीज़। यहाँ पे मुझे दिखती है एक विच। हेलो, हाउ डू यू डू, रन। मैं पूरा दम लगा के वहाँ से भाग जाता हूँ और अपनी ये केव को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। उसने मेरे पर कोई पोशन भी फेंक दिया था, पता नहीं कौन सा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और अब मुझे पता नहीं क्यों शौक आ रहा होता है, मैं अपनी केव को यहाँ से खोल देता हूँ और यहाँ से ये स्केलेटन अंदर आ जाता है, जो मुझे मारे जा रहा था, अब भी मारे ही जा रहा था। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने यहाँ पे एक कॉबल स्टोन रख दिया। देखो, अरे कहाँ क्या भैया, पहले एप्पल खाने के बाद मैंने यहाँ पे कॉबल स्टोन रखा था। मैं देखो भूल गया हूँ, मैं इतना थोड़े बहुत और गया। तो अब मैं इसको बड़े ही आराम से मार देता हूँ, और इससे मुझे थोड़ी बहुत हड्डियाँ भी मिल जाएंगी शायद,
हाँ मुझे हड्डियाँ मिली होंगी उससे। और यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे क्रीपर में ब्लास्ट करने के बाद एक ज़ॉम्बी मारता हूँ और यहाँ पे एक और क्रीपर मेरे मुंह के सामने फट जाता है जहाँ पे मैं मर जाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार चलता है, वैसे मैंने दिखाया है, अगर कोई और होता तो वो दिखाता भी नहीं। देखो यहाँ पे मैं ऑन द ग्राउंड मर जाता हूँ। अब मैं थोड़ी बहुत जो भैंस मरी थी मेरे सामने उनको मैं मार देता हूँ और अब यहाँ पे मैं अपना घर बनाना शुरू करता हूँ। जब देखो सर्वाइव करने के लिए तुम्हें अपने घर की ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे सिर्फ एक बेड भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बकरी अभी तक स्पॉन नहीं हुई है और ना मैंने इतनी स्पाइडर मारी है कि मैं वॉल बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सेफ्टी के लिए घर बनाता हूँ, तो इसका बेस मैं कॉबल स्टोन से बनाता हूँ। पता नहीं क्यों बनाता हूँ लेकिन बनाता हूँ। अब मेरे पास कॉबल स्टोन ही था और इतना टाइम था नहीं कि मैं स्मेल्टिंग पे डालता उसको पूरा। यहाँ पे मेरे पास स्टोन की कमी पड़ जाती है तो यहाँ पे मैं स्टोन जमा करने खुदाई करने चला जाता हूँ स्टोन लेके। तो यहाँ पे मैंने इतना बेस बना लिया था। हाँ मैं स्टोन फालतू में लेने गया था, मैंने लकड़ी से बनाया था, लेकिन अभी लकड़ी की ज़रूरत पड़ने वाली है, स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं इस घर को दो फ्लोर का बनाने वाला हूँ, तो ज़रूरत पड़ रही है भैया। अब यहाँ पे मैं सोचता हूँ क्या करा जाए, तो यहाँ पे मैं शीशा लगाऊंगा। अब पता नहीं, मतलब इतनी बहुत सी सैंड पड़ी है मेरे पास, मैं ग्लास बना लूँगा आराम से। और यहाँ पे मैं थोड़ा जुगाड़ लगा के लैडर बनाता हूँ और वो लैडर थोड़ी कम पड़ जाती हैं लेकिन फिर भी मैं काम चला लेता हूँ। मैं तीन लगा देता हूँ ऐसे, जंप करके ऊपर को चढ़ जाऊँगा, अच्छा खासा काम हो जाता है। देखो सर्वाइव कर रहे हो तो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी चलेगा, लेकिन अभी हमें ये घर बनाना है तो तुम निपट दो, मुझे घर बना के आता हूँ। हाँ वैसे कॉपीड है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुझे जो हड्डियाँ मिली होती हैं, यहाँ पे हमारे आइलैंड में एक वुल्फ स्पॉन हुआ होता है, तो मैं उसको हड्डी खिला के अपने साथ रख लेता हूँ और वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। यहाँ पे मेरा घर पूरा होने वाला होता है, बस मतलब बस पूरा ही हो जाता है, अब बस शीशे लगाने का काम रह गया है। तो यहाँ पे मेरे पास ग्लास कम पड़ जाते हैं, हाँ कम पड़ जाते हैं, और मैं इतना आलसी होता हूँ कि मेरे पास और बनाने का टाइम नहीं था। यहाँ पे हम MLG करते हुए बाहर निकलते हैं और हमारा घर रेडी है ऑलमोस्ट, शायद पक्का नहीं पता मुझे, हो सकता है मैं बाद में चेंज कर दूँ इसे। लेकिन अब मैं जाता हूँ थोड़ी मछलियाँ पकड़ने, क्योंकि खाने की कमी नहीं है भैया हमारे पास, बस हम आलसी हैं थोड़े, क्योंकि हम पानी के पास हो, पानी के पास कभी मछलियाँ कम नहीं पड़ेंगी। और मैं भूल गया था कि यहाँ पे एक शिप रैक भी था, तो मैं वो शिप रैक भी लूटता हूँ जाके, जहाँ से मुझे फालतू का सामान मिलता है, लिटरली कुछ काम का नहीं मिलता, दो आलू मिलते हैं बस और इंचेंटेड चीज़ें मिलती हैं वो भी फालतू की। यहाँ पे मैं चेस्ट बना के अपना फालतू का सामान सब उसमें रख देता हूँ और ये फालतू की इंचेंटेड चीज़ें मैं पहन भी लेता हूँ जिस पर कर्ज ऑफ वैनिशन लगा होता है। अब मैं जाता हूँ नीचे अपनी माइन में और डायमंड ढूंढने की तलाश में, तो हम जा रहे हैं पूरे नीचे। वैसे अभी डायमंड ढूंढना नहीं है, अभी इस मतलब इस वाली वीडियो के एंड तक मुझे पूरा आयरन का आर्मर बनाना है, आयरन के टूल्स के साथ। वैसे टूल्स का पक्का नहीं पता लेकिन आर्मर तो बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आयरन ढूंढने जाता हूँ। और यहाँ पे मैं केव में जाके निकलता हूँ जहाँ पे लावा के साथ पानी होता है, जहाँ पे मैं केव के अंदर बिल्कुल नहीं जाता अभी, बस यहाँ पे मेरे पास जितना भी आयरन था मैं वो सब लेके निकल जाता हूँ और एक पोटैटो को बेक पोटैटो बना लेता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे पोटैटो उगाने थे वैसे। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा आर्मर बना लेता हूँ और घर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे हमारे 50 दिन पूरे होने वाले हैं, यहाँ पे हो गए हमारे 50 दिन तो हो गए थे, बस थोड़ा टारगेट रह गया था वैसे। हाँ पूरे हो चुके हैं, वैसे एक आयरन की सोर्ड और बना लेते हैं, अच्छी लगेगी दिखने में।